नमस्कार दोस्तों, निशुस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। जी हां, आपने सही सुना, निशुस कास्ट में यूएस स्पेशल एपिसोड अब खत्म हो गए। आई एम बैक इन इंडिया। आज मैं जो शूट कर रहा हूं वो मेरे घर पे मेरे प्यारे निशुस कास्ट के साथ ये शूट हो रहा है। ओफ यो माँ, क्या गर्मी है यहाँ पे। यूएस के ठंड से निकल के सीधा यहाँ के गर्मी में पड़ा मैं, जबरदस्त गर्मी। तो नेचुरली ये गर्मी का मौसम अपने आप अपने को बियर की याद दिलाता है। तो मेरे कदम अपने आप चले मेरे प्यारे शॉप की तरफ, बियर शॉप की तरफ, वो भी रोहन बियर शॉप। रोहन बियर शॉप पे जैसे ही गया तो उन्होंने मेरा स्वागत किया। अरे भाई, कितने दिन के बाद, यहाँ कहाँ थे आप, ऐसे वगैरह सब बातें हुई। तो उनको वैसे मैंने बताया था जा रहा हूँ करके, तो आने के बाद तो वो खुश हो गए। तुरंत उन्होंने बोल दिया कि सर कुछ नया आया है, पेश करूँ। मैं बोला तुरंत चलो करो पेश। तो उन्होंने मेरे सामने एक बियर रखी और बोले ये देखो ट्राई करो और मुझे बताई कैसी है। मैं बोला चलो करते हैं, यहाँ आया हूँ, बियर का मौसम है, अच्छी नई बियर टेस्ट करने को मिल रही है। तो मैंने तुरंत उठा ली, वो बियर है दिस वन, बीरा राइस बियर। चलो तो आज करते हैं इसका रिव्यू। ये बियर का उनके वहाँ एक खास ऑफर भी था, 4 बियर कैन लेने के बाद 1 कैन फ्री था। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफर्स रहती है, वैसे यहाँ पे भी ये अलग ऑफर थी। तो नेचुरली मैंने वो ऑफर ग्रैब कर ली तुरंत। अब हम करते हैं आज इसका रिव्यू, टेस्ट करते हैं कैसी बियर है वो भी देखते हैं। और साथ में बीरा वालों ने एक ग्लास भी मुझे गिफ्ट में दिया है, तो देखते हैं। नॉर्मली है बीरा वालों ने रोहन वालों को दिया था, लेकिन रोहन बियर शॉपी का प्यार मुझ पर अच्छा है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया है। तो चलो इसी ग्लास में मैं आज ये बियर टेस्ट करूँगा। जरा बियर को देखेंगे क्या है, व्हाट इज़ द राइस बियर। राइस स्ट्रॉन्ग बियर है ये बीरा की, बीरा 91। और हम लोग नॉर्मली बियर जो कहते हैं यानी ऑथेंटिक बियर, वो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनती है, माल्टेड बार्ले, वाटर, हॉप्स एंड ईस्ट, दैट इज एक्चुअल बियर। लेकिन अगर उसके अंदर राइस या तो मैदा यानी मेस या तो कॉर्नफ्लावर ऐसे अगर इंग्रेडिएंट्स उसमें आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजंक्ट्स। तो वो एडजंक्ट्स आने के बाद थोड़ी सी टेस्ट चेंज हो जाती है। लेकिन इन्होंने उसी एडजंक्ट्स को हाइप करके खास राइस बियर करके उसको नाम दे दिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स तो उसमें यही है, वाटर, माल्टेड बार्ले, राइस, होप्स, यीस्ट, कार्बोनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल एट द टाइम ऑफ जो प्रोसेसिंग होती है उस टाइम, इसमें इथाइल अल्कोहल जो है वो तैयार होता है। और ख़ास बात यह है कि ये बियर अपना जो राइस है उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट इज कोस्टल राइस। तो कोस्टल राइस को उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये प्रीमियम लागर बियर है और इसमें जो हॉप्स इस्तेमाल किए हैं वो है सोराची के खास हॉप्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो मेरे ख्याल से कुछ तो खास रहेगा इसमें। अल्कोहल कंटेंट है लेस देन 8%, 500 ml का ये कैन है। एंड वो लिखते हैं कि बीरा 91 राइस इज अ प्रीमियम राइस लागर इन द एशियन ट्रेडिशन, एलिवेटेड विथ लोकल राइस फ्रॉम इंडिया। द बियर इज ड्राई। अब ये ड्राई बियर यानी क्या? तो नॉर्मली बियर को एक हल्का सा स्वीट टेस्ट रहता है, राइट? तो वो इसमें नहीं है। ये क्यों? तो जब इसमें एक पर्टिकुलर यीस्ट जब इस्तेमाल कर होता है, तो वो यीस्ट इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर की जो शुगर है वो यीस्ट नेचुरली कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, और जो शुगर जो कंटेंट है वो पूरा निकाल लेता है उसमें से, और स्वीटनेस नेचुरली उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे टाइप की ये बियर है जिसमें उन्होंने ये टिपिकली लिखा है द जैपनीज सोराची होप्स है उसमें। तो
थोड़ा सा सिट्रस अरोमा है करके बोला है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या अरोमाज हमें मिलते हैं। तो ये बीरा का ग्लास, यस सी द ग्लास, दिस इज द बॉक्स एंड बीरा का ये खास ग्लास। तो हम इसको अब इसमें पॉर करते हैं। बहुत धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन हेड काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। बियर मस्ट भी वेरी नाइस और अरोमा भी अच्छा आ रहा है मुझे। दैट्स इट, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, देखते हैं कितनी देर हेड रहता है। नाइस बियर, लगने दिखने में तो अच्छी दिख रही है, गोल्डन कलर है। और अभी मुझे यहाँ से ही मुझे अरोमा आ रहा है हॉप्स का। हेड इज ऑल्सो अच्छा के रुक गया है, गुड। और गर्मी के इस मौसम में ऐसी अच्छी बियर अगर मिले तो क्या मजा आएगा। तो पहले हम लोग इसका नोजिंग करेंगे, क्या अरोमाज हमें मिलते हैं। Yes. थोड़ा सा सिट्रस यानी ऑरेंज या तो सिट्रस पील के साथ जो अरोमा आता है वो डोमिनेट कर रहा है, मुझे पहले ही आया। उसके बाद में बारले, कुछ ऐसे स्पेशल राइस का अरोमा तो नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इसमें है हॉप्स का जो एक पर्टिकुलर अरोमा होता है, कड़वा सा अरोमा, वो मुझे यहाँ पे आ रहा है। इसमें कुछ सोरोची के स्पेशल हॉप्स उन्होंने डाले हुए हैं। चलो करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। मैंने जैसे नोजिंग करते टाइम बताया कि सिट्रस या ऑरेंज टाइप के फ्रूटी अरोमा इसमें मुझे मिल रहा है, वो मेरे पैलेट पे भी सेम आया। और बियर को निगलने के बाद वेरी क्रिस्पी रिफ्रेशिंग है, पर निगलने के बाद थोड़ी सी कड़वाहट मेरे पैलेट पे रही है, यानी जो अच्छे क्वालिटी का हॉप्स इसमें है उसी की वजह से। और ये स्ट्रॉन्ग बियर होने के बावजूद भी इतनी कड़वी है नहीं, बहुत अच्छी बियर लगी मुझे। और एक सिप करके देखते हैं। गुड बियर, लेकिन दोज हु आर फॉन्ड ऑफ एग्जैक्ट प्रॉपर बियर जो सिर्फ चार इंग्रेडिएंट से बनती है, वो अगर आपको बियर पहले आप पसंद करते हैं तो ये बियर आप उतनी पसंद नहीं करेंगे, बट द बियर इज गुड। अब आई थिंक इसकी कॉस्ट है 185 में 500 लीटर का कैन है। इट्स क्वाइट, वैसे कहूँ तो थोड़ी एक्सपेंसिव है। नॉर्मली बियर एक 150 तक मिलनी चाहिए, बियरा की कुछ बियर है अवेलेबल, लेकिन ये उन्होंने कुछ नया हमें प्रेजेंट किया है, तो दिस कॉस्ट इज लिटिल हाई, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये कम करके दें तो ये बियर पीने में और मज़ा आएगी। लेट्स होप कि थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाए तो मज़ा आएगा। बट गुड बियर, ट्राई करने के लिए अच्छी है, फ्रेशनेस है, क्रिस्पीनेस है, कार्बोनेशन अच्छा है, तो उसका अरोमा भी अच्छा है। देखिए मुझे डकार आ गई थोड़ी सी, तो इसका मतलब जो स्पार्कलिंगनेस और क्रिस्पीनेस है वो अच्छा बरकरार है इसमें। तो मुझे आप ये बियर टेस्ट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। बस तो और क्या, गर्मी का मौसम है, तब तक ये अच्छी नई बियर ट्राई करके टेस्ट करके आपके सामने रखते जाऊँगा। तब तक निशुष्कास को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, अपने दोस्तों को बोलिए
निशुस्कास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कितनी भी अच्छी गर्मी हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो और कितनी भी अच्छी बियर हो, लेकिन निशुस्कास्ट हमेशा एक चीज़ बताता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड चीयर्स टू निशुस्कास्ट।